व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्क्रीन शॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड और वीडियो एडिटर तीनों आपको गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में मिल जाएगा और उसको आप यूज़ करके अपनी वीडियो को बना सकते हैं। आपको कुछ और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी और ये आपके काम को के स्पीड को भी बढ़ा देगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से तीन एक्सटेंशन हैं जो हमारे यूज़ में आते हैं। वॉट आर क्रोम है, लेकिन उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक्सटेंशन होता क्या है। क्रोम एक्सटेंशन आर सिंपली अ स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट कैन बी एनहेंस्ड एंड मेक योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मोर इन्जॉयबल। आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाने के लिए क्रोम एक्सटेंशन गूगल ने बनाया है, जिसमें आप बहुत सी ऐसी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने वीडियो को ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं। जैसे कि ट्रांसलेट आप यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज में अपने चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, तो इसी तरह से ये एक्सटेंशन जो वीडियो रिकॉर्डिंग के काम आएगा। तो सबसे पहले निम्बस स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर, ये आपका एक्सटेंशन है जिसको आप एक्सटेंशन से ऐड करके अपने वीडियो में स्क्रीन कैप्चर टूल है, इसमें रिकॉर्ड स्क्रीन है, इंस्टेंट अपलोड एंड शेयर है, शॉर्ट URL बनाने की फैसिलिटी है, कस्टमाइजेबल हॉट की बना सकते हैं आप, मैनेज योर स्क्रीन शॉट कर सकते हैं आप वेब का और मोबाइल का, अपलोड टू स्लैक डायरेक्ट अपलोड विदाउट थर्ड पार्टी होस्टिंग आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, ऐड वाटरमार्क और अपना वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी इसमें, ये हमें अच्छा लगा, आप भी इस एक्सटेंशन को लोड करके और इसमें काम करके देखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो एडिटर वेब कैम रिकॉर्डर, तो ये इसमें आपको वेब कैम यूज़ करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। तो इसके लिए storyexpress.co इज़ अ स्क्रीन रिकॉर्डर विथ वेब कैम, ये रिकॉर्डर है जो वेब कैम के साथ है, ऑनलाइन अवेलेबल है, वीडियो एडिटर होस्टिंग एंड एनालिटिक ऑल इन वन प्लेस। वहाँ पर आप ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं, एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हैं एक ही जगह पे। यूज़ द स्क्रीन कास्ट रिकॉर्डर और द वेब कैम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और वहाँ पे आप वेब कैम यूज करके अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल टू रिकॉर्ड विद और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और ये ऐसा रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है जिसमें आप विद और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। ऑडियो और फेस कैम ऑल कॉम्बिनेशंस वर्क विद इवन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग फंक्शनलिटी, और ये ऑफलाइन भी काम करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा हमको निम्बस लगा। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन कैप्चर, यहाँ पे आपका स्क्रीन कैप्चर भी हो सकता है, स्क्रीन कैप्चर ऑफ एंटायर पेज और एनी पार्ट, एडिट स्क्रीन शॉट एंड सेव एज PDF, आपका स्क्रीन को कैप्चर करता है और उसको आप स्क्रीनशॉट को एडिट कर सकते हैं और उसके बाद उसको PDF, JPG या PNG फॉर्म में सेव कर सकते हैं। टेक अ कस्टमाइजेबल स्क्रीनशॉट, सिंपल इंटरफेस, नथिंग यूजलेस, नो एड्स, स्पाइवेयर एंड अननेसेसरी परमिशन। अब यह जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका इंटरफेस जो है बहुत सिंपल है और कुछ भी यूजलेस नहीं है, इसमें कोई ऐड नहीं आता है और स्पाईवेयर एंड अननेसेसरी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका फीचर क्या है कि स्क्रीनशॉट ऑफ द फुल पेज नॉट जस्ट द विजिबल एरिया, ये केवल उस एरिया का स्क्रीनशॉट नहीं लेता जो आप चाहते हैं, बल्कि ये फुल पेज का भी स्क्रीनशॉट लेता है। फुल पेज मतलब होता है कि आपका स्क्रॉल करते जाइए डाउन पेज और तब भी वो पूरे पेज का आपका स्क्रीनशॉट लेता है। स्क्रीनशॉट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द पेज, और आपके किसी पार्ट का भी वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। एडिट एंड डिस्कार्ड चेंजेस, आप अपने चेंजेस को एडिट भी कर सकते हैं और डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, मतलब वापस भी टॉगल कर सकते हैं। सेव टू डिस्क इन PDF और PNG, और जो अब आप एडिट कर चुके हैं स्क्रीनशॉट को उसको PDF या PNG फॉर्म में सेव कर सकते हैं। कॉपी स्क्रीनशॉट टू क्लिपबोर्ड, आप जब भी कोई कॉपी करते हैं तो आपका कहाँ जाता है इंफॉर्मेशन, क्लिपबोर्ड में। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है कि छोटा मेमोरी स्पेस है जहाँ पर आप कुछ भी कॉपी कट पेस्ट करते हैं तो वहीं पे वो जाता है, वहीं से वो लेके पेस्ट करता है और वहाँ पे कॉपी करता है।
If you are just installed this extension, be sure to reload the page before taking the screenshot. अगर आपने तुरंत extension download किया है तो फिर से इसको reload करिएगा, तभी वो screenshot लेगा, otherwise problem करेगा. So these three good video editing and screenshot taking extension in Google Chrome which you can use. आप लोग इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं और अपना वीडियो रेडी स्क्रीनशॉट और एडिटिंग का काम कर सकते हैं. अगर आप नहीं जानते हैं कि इसको एक्सटेंशन को कैसे ऐड किया जाता है तो आप ओपन ब्राउज़र करिए, क्रोम करिए, गो टू थ्री डॉट राइट हैंड साइड में जो आता करिए, सेलेक्ट मोर टूल करिए, सेलेक्ट एक्सटेंशंस करिए, ओपन क्रोम वेब स्टोर करिए. वेब स्टोर एक पिटारा है जिसमें आप गूगल के बहुत से एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसमें हर तरह के फैसिलिटी है. जिस वर्ड को आप सर्च करिएगा उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सटेंशन होगा, जैसे वॉइस के लिए एक्सटेंशन, वॉइस एडिटिंग के लिए एक्सटेंशन, वीडियो एडिटिंग का एक्सटेंशन, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज, ग्रामर, ये कुछ भी आप वेब स्टोर से ढूंढ सकते हैं. सर्च फॉर एक्सटेंशन इन सर्च बॉक्स, तो बाएं हाथ में एक बॉक्स आएगा, इसमें जो वर्ड आप लिखिएगा उससे रिलेटेड एक्सटेंशन अगर होगा तो वहाँ पे आ जाएगा. उस एक्सटेंशन को आप क्रोम में ऐड कर दीजिएगा, वो कहेगा ऐड टू एक्सटेंशन, तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी एक्सटेंशन आपने सेलेक्ट किया है वो आपका क्रोम में ऐड हो जाएगा. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link. Join my telegram channel. Go to the community and answer on poll. वहाँ से आपको हम प्रमोट भी कर सकते हैं, अगर आप मेरे इस पर कमेंट करिएगा तो हम आपका लिंक वहाँ पर लगा देंगे. So this is all today viewer. If you like this information please share and subscribe. Thank you.